12 पवित्र कार्य। एक बार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पैदल जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि किसी अछूत कन्या के पैर के अंगूठे में सर्प ने डस लिया है। उन्होंने कुछ न मिलने पर अपना जनेऊ उसके पैर में कसकर बांध दिया, जिससे विष सारे शरीर में न फैले। फिर उन्होंने मुंह से विष चूस कर निकाल दिया। इस प्रकार लड़की का जीवन बच गया। यह घटना सुनकर गांव के ब्राह्मणों को द्विवेदी जी के इस व्यवहार पर घोर आपत्ति हुई। जनेऊ जैसी पवित्र वस्तु अछूत मानी जाने वाली हरिजन लड़की के पैर में बांधी गई। सभी ब्राह्मण कहने लगे, द्विवेदी जी ने घोर पाप कर्म किया है। उन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को दंडित करने के लिए जाति पंचायत बुलाई। उसमें द्विवेदी जी को भी बुलाया गया। सरपंच ने द्विवेदी जी से प्रश्न किया, जनेऊ पवित्र धागा है, फिर तुमने उसकी पवित्रता भंग क्यों की? तुम अनपढ़ नहीं, विद्वान पंडित और हिंदी के महान लेखक हो। द्विवेदी जी ने प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछा, किसी मनुष्य की प्राण रक्षा करना क्या कोई पवित्र कार्य नहीं है? पंच बोले, बिल्कुल है। द्विवेदी जी ने आगे कहा, मैंने पवित्र जनेऊ से वही पवित्र कार्य किया है, इस पर किसी को आपत्ति क्यों? पवित्र कार्य करने से कोई दोषी कैसे हो सकता है? सभी चुप रहे और पंचायत बिना किसी निर्णय के ही उठ गई। जाति संप्रदाय, ऊंच नीच और धनी निर्धन का विचार किए बिना मानव की प्राण रक्षा सबसे पवित्र कार्य है। शिक्षा, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच आदि ये सब केवल हमारी संकीर्ण भावनाएं हैं। ईश्वर ने हम सभी को समान बनाया है। इसके अतिरिक्त यदि हमारे द्वारा किसी व्यक्ति की प्राण रक्षा अथवा अन्य कोई सहायता हो सकती है तो वह करनी चाहिए, चाहे वो किसी जाति से संबंधित हो। यह मानव का प्रथम कर्तव्य है।